बाहर जाना उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है अपनी मर्जी से यार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो जी ये हो गई थी सुबह। आजकल तो मेरे सारे रूटीन मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहे हैं, बहुत ही कमी से ऐसा होता है कि मैं मिड डे से स्टार्ट करती हूँ। और बस यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और मैंने हानिया को दे दिया था ब्रेकफास्ट, वो खा रही थी मिल्क और मूसली, उसको थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। और जी कुछ मैं वीकली ग्रॉसरीज करती हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो चीज़ ख़त्म हो गई थी वीकली जो होता है ना वो मैं मंगा लेती हूँ, जैसे आलू प्याज टमाटर वगैरह जो भी कुछ होता है ना, तो मैं वीकली वो करती रहती हूँ जब ख़त्म होता है। क्योंकि अगर मैं स्टॉक कर लेती हूँ ना एक, मतलब बहुत सारा लंप में लेके रख लेती हूँ, तो उसमें से अगर जैसे मैंने 3 किलो टमाटर ले लेना तो 1 किलो तो ख़राब ही हो जाते हैं रखे रखे, नीचे के जो होते हैं ना पिछे, तो इतना वेस्ट होने से अच्छा है, मेरे हस्बैंड ने कहा कि प्लीज़ कुछ भी ऐसी चीज़ें वेस्ट मत करो और लंप में मत लो, डेली मतलब जब भी ज़रूरत हो मंगा लो। मैंने कहा हाँ ठीक है चलो ये भी सही है। और आजकल बरसात का मौसम है तो प्याज वगैरह भी थोड़ी सी गल जाती है ना, तो इसलिए मैं वीकली ये सब सामान मंगा लेती हूँ। बाकी यहाँ पर मैं नीचे गई थी और उनका कुछ बुरखे में वो मुझे बता रही थी, कुछ ऑल्ट्रेशन था तो मैं उनकी हेल्प करा रही थी, किस तरह मैं बता रही थी किस तरह करना है क्या करना है। और जी हानिया को देखिए ऐसे आके बैठ जाती है जैसे इसका खुद की नानी का घर हो, अपना आराम से इत्मीनान से जब भी देखो बस वो तो नेहा दीदी की दीवानी हो गई है। बस 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 ओढ़निया, इसने हमें भी बिल्ली बना दिया। देखो मम्मी दिखाओ अपना, सबको बिल्ली बना दिया इसका। मैंने साफ कर लिया, मम्मी साफ कर लो। हानिया पियर्सिंग कर रही हो क्या? बस 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 मियाओ मियाओ मियाओ, अल्लाह घुसा देंगे। तो डायरेक्ट आ रहा है एकदम से, और किस आने है वो हल्के हल्के आ उठा जो भी चाहिए और ऑर्गेनो चीज़ नहीं, मैं खुद बना लूँगा, या तो मैं खुद बना लेती हूँ। कितने चाहिए? 4। कितने हैं? ये है ना। हाँ कितने ले रहा है आज की पार्टी शहबाज की तरफ से? 6 कितने बनाना हमें पड़ेगा, कैसी पार्टी है ये? 6 काफ़ी है, देख दो तो मैं ही खाऊँगी। शहबाज तो पागल हो गया, मैं बोल रही हूँ कि नहीं तो लेते ही जा रहा है, खाली करेगा क्यों करा, मैंने बोलने को मना करा, ये थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है। चल मैं तुझे बता देती हूँ क्या क्या लेना है, ले ले। नहीं 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 हम तो ऐसे बना लेंगे, मोज़रेला चीज़ ढूंढो। चलो हम आपको नहीं ले रहे हैं, हमसे ऑर्डर दे रहे हैं। मेरे भाई को मोज़रेला चीज़ नहीं दिखी। और जी बस यहाँ पर हम लोग एक सुपरमार्केट में आए थे, घर के पास थी, तो उसने बोला कि पिज़्ज़ा बेस वगैरह ले लेते हैं, घर पे पिज़्ज़ा बनाते हैं। और मैं देख ही रही थी मोज़रेला चीज़ के अलावा और कौन कौन सी चीज़ है, बट ये पैकेट चीज़ स्लाइस का बार बार नीचे गिर जा रहे थे, इन्होंने किस टाइप से रखे थे। और जी खैर बस यहाँ पर एक ये फ़िश थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी ना ये, और इसको बीटा फिश बोलते हैं आई थिंक, और इन्होंने कंटेनर में रख रखा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा इसको ऑक्सीजन किस तरह मिल रही थी। We are searching for oregano, 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 oregano. नहीं है ना, ये ले लो कि मिक्स टमाटर सब होती है? नहीं टमाटर सॉस थोड़ी स्वीट होती है, पिज्जा थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये है ना शायद टमाटर सॉस, हाँ नहीं वो तो करना है, तो मतलब कौन से लेने हैं, टॉपिंग लें या ये? पता नहीं, आपको पता होगा। ठीक है
अच्छा इसमें है, आपके पास फ्रेश ऑलिव्स नहीं है? फ्रेश वाला नहीं है। गुस्सा आ रहा है इसे, ये कहीं बाहर जाए ना उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अपनी मर्जी से आया, चलो सनावा जी मेरा चलो, और उसे गुस्सा आ रहा है, कह रहा है इतनी देर से फ़ोन कर रहा हूँ उठा के नहीं रही हो, इमरजेंसी हो सकती है, और जब मैं ब्लॉक कर रही हूँ ना तो कह रहा है, ये थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का ना, तो कह रहा है कि यहाँ पे मत भूलो वॉइस ओवर कर लेना, तो मैं इससे दूर जा जा के बातें कर रही हूँ। हम तो बोल ही नहीं रहे, हम तो चुप हैं। भाई साहब को दिल कर रहा है पिज्जा का, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था तुम मेरे पे चले। पकड़ ले तू मुझे अपना दुपट्टा उठा रही है। देखो कितने दूर भाग रहा है। छोटा है मेरे से और गुस्सा ऐसा उसको ऐसे पता नहीं मैं क्या बात कर रही, मुझे खुद नहीं पता कि आवाज़ आएगी नहीं आएगी ब्लॉग में। मैं हल्के हल्के अपने अंदर मुँह कर रही हूँ। हाय अल्लाह, तो मुझे अपने भाई के साथ ना शॉपिंग करने में इतना मज़ा आता है ना, मुझे मतलब बुरा नहीं लगता जब वो इरिटेट होता है, मुझे बहुत दिल करता है उसको इरिटेट करने में। खैर हम लोग घर आ गए थे और यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस रेडी हो गया था और मोज़रेला चीज़ को मैंने ग्रेट कर दिया था और सब मैंने एक साथ लगा दिया था, प्लेस कर दिया था ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप अपना पिज़्ज़ा बना लूँ। तो नॉर्मल बच्चों को बच्चे क्या करते हैं, मैं ऊपर से कुछ ड्रेसिंग मतलब होती है ना कैप्सिकम अनियन वगैरह, तो बच्चे निकाल के साइड में रख देते हैं, तो मैंने कोई फ़ायदा नहीं है, हम सिर्फ चीज़ पिज़्ज़ा बना लेंगे नॉर्मल से। और बस मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा बेस्ड के ऊपर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस लगाई, उसके ऊपर मैंने चीज़ जो थी मेरी वो मैंने रख दी है, प्लेस कर दी थी, और ऑरेगानो डाल के मैंने जस्ट इसको हल्का सा तवे पे ना ढक के थोड़ा सा बेकिंग टाइप कर लिया था, तो हमारी चीज़ मेल्ट हो गई थी। ये अच्छा नहीं दिख रहा, मेरे मुंह के पास कह रहे, थोड़ा पीछे बैठो, कह रहा हूँ अच्छा नहीं दिख रहा, नॉर्मली बनाया क्या है इसके लिए, इससे भी बड़ा गिफ्ट है मम्मा, बैंडेज दे खोलो खोलो खोलो, अरे उसके पास जाके खड़े हो, इसको मत दिखा देना नीचे। तो जी बस यहाँ पर अर्श की प्री बर्थडे कुछ गिफ्ट वगैरह अर्श को दे रहा था, और उसके अंदर चॉकलेट्स वगैरह थी, तो मैंने बोला कि देखा भाई कितना प्यार करते हैं, जितना भाई से हुआ उसने आपको मतलब गिफ्ट पैक करके दे दिया सब कुछ, तो अल्लाह ताला भाइयों में बहनों में ऐसे ही प्यार बना के रखे। वैसे बस क्या बोलूँ, नो कमेंट्स। और जी बस यहाँ पर नेक्स्ट डे हो गया था और मैं बना रही थी खाना, और जी यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्टू, और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेगा। वैसे तो स्टू सब लोग ही बनाते हैं बट अपने अपने स्टाइल में बनाते हैं, तो ये वाला स्टू आप ज़रूर से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा यमी है। तो यहाँ पर मैंने डाल दी थी आधा किलो प्याज, और मैंने प्याज को कर लिया था स्लाइस, आप अपनी तरीके से स्लाइस कर लीजिए जैसे आपको आसानी होती है, मैंने तो स्लाइसर में कर लिया था। और बस इसको मैं एक मिक्स दे दूँगी, मिक्स करने के बाद जब ये मतलब सॉटे कर लूँगी मैं, जब हल्के से ये ट्रांसलूसेंट हो जाए फिर उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिकन। और जी बस यहाँ पर जब हमारा चिकन और प्याज सॉटे हो जाएंगे, थोड़ा सा भुन जाएंगे, उसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 2 स्लाइस करके टमाटो, और 8 से 10 मैंने इसके अंदर लाल मिर्च डाल दिए हैं जो साबुत वाली होती है, उसको भी मैं एक अच्छा सा मिक्स दे दूँगी, और इसको 10 मिनट तक थोड़ा सा पकने देंगे हम, 5-10 मिनट, और फिर उसके बाद अपने जो हम बाकी के मसाले होंगे वो डालेंगे। तो मैं अब डाल रही हूँ उसके अंदर नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, जैसे भी आपको कम या ज़्यादा पसंद है नमक हमेशा। और नमक तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले कम ही डालती हूँ फिर बाद में थोड़ा सा मतलब एडजस्ट कर लेती हूँ, वरना मेरे से अक्सर क्या होता है थोड़ा सा तेज़ हो जाता है ना, पहले हो जाता था, उसके बाद मैंने अब ये करना शुरू करा है कि पहले हल्का डालती हूँ फिर बाद में उसको एडजस्ट कर लेती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने
बे लीफ डाल ली है जिसे तेज़पत्ता बोलते हैं, लौंग डाल ली थी, ज़ीरा डाल लिया था, और हाफ़ टी स्पून हल्दी, हमें ज़्यादा नहीं डालनी है हल्दी वरना पीला पीला हो जाएगा स्टू। हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर हल्दी डालिए और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे दीजिए। और बस जब ये सब कुछ मिक्स हो जाए, इसमें आपको एकदम लास्ट में डालनी है ग्रीन चिलीज़, जो कि मैंने डाली थी, तकरीबन 5 ग्रीन चिली डाली थी। और अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो उस आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, पर बच्चे भी खाएंगे तो इस वजह से मैंने कम ही रखा था। और जी इस स्टेज पर मैं लगा दूँगी इसकी लिड और सिर्फ एक सीटी आने तक ही पकाऊँगी। और फिर जब एक सीटी आ जाएगी उसके बाद मैं इसको 20 मिनट, क्योंकि क्या होता है ना, इसके अंदर पानी हो जाएगा चिकन का, प्याज का, तो 20 मिनट मैं इसको बहुत ही लोअर सिम गैस पर छोड़ दूँगी ताकि पानी सूख जाए। और अलग से यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया, उसके अंदर कैप्सिकम डाली है। हम कैप्सिकम को सिर्फ सॉटे करेंगे, पकाएंगे नहीं। और देखिए जैसे मैंने बोला था कि इसके अंदर पानी हो जाएगा, तो पानी हो गया था, तो बस इसका मैं पानी सुखा रही हूँ। और जब हल्का हल्का इसका पानी सूख जाएगा तो मैं कैप्सिकम भी इसके अंदर डाल दूँगी और जी हमारा जो स्टू होगा वो रेडी हो जाएगा। तो जी बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।